जैसा कि अभी आपको मैंने वेब एप्लीकेशन के बारे में बताया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे गणनकर्ता क्षेत्र में मोबाइल एप्लीकेशन से कार्य करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आपको टैबलेट पर किस प्रकार डाउनलोड करनी है, पहले उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके लिए आप गूगल क्रोम में जाकर मेंशन करेंगे लाइव स्टॉक, ये मैं ट्रेनिंग पॉइंट है उससे बता रहा हूं, ये ट्रेनिंग का है, लाइव स्टॉक सेंसस TRG.NIC.IN आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, आपने देखा होगा इसमें डाउनलोड APK आ रहा है, आप डाउनलोड APK पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड ओके हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। देखिए डाउनलोडिंग चल रहा है, जब ये डाउनलोड हो जाए, अभी डाउनलोडिंग प्रोसेस में है, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इस पे वर्किंग शुरू होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कार्य जो है केवल ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज आप livestock.gov.in ही खोलेंगे। अब ये वाला ही खोलेंगे, जब आप वर्किंग ओरिजिनल फील्ड में शुरू होगी तो यही ऐप आपको डाउनलोड करना है, लाइव स्टॉक census.gov.in, उसी से डाउनलोड APK जो राइट साइड में लिखा हुआ है उससे डाउनलोड करेंगे सभी टैबलेट पे, लेकिन ट्रेनिंग के लिए TRG वाला इस्तेमाल करेंगे। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया, लिख के आ गया, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते ही एक उस पे आइकॉन बन जाएगा टैबलेट पे, इंस्टॉलिंग चल रहा है, चूंकि ऑनलाइन वर्किंग आपको समझाई जा रही है इसलिए थोड़ा सा इसमें विलंब भी हो रहा है नेट की कनेक्टिविटी के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी डेटा एंट्री का कार्य ऑफलाइन होगा, लेकिन गणनकर्ता जब घर से चलेगा तो पहले उसको प्रत्येक दशा में लॉगिन हो लेगा। जब वो लॉगिन हो जाए तब तक लॉग आउट नहीं होगा जब तक कि पूरा सेंसेस वाला अपना गांव कंप्लीट ना कर ले। देखिए आपने देखा होगा इंस्टॉल हो गया, अब इसे आप सीधे यहीं कहीं ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने आएगी लिखी हुई। इस विंडो पे आपने देख रहे होंगे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो गणनकर्ता काम कर रहा है उसका यूजर नेम यहां मेंशन किया जाएगा। यूजर नेम मेंशन कर आपको देखिए, यूजर नेम गणनकर्ता का जो है यूजर आईडी डालेंगे, अब उसका पासवर्ड डालेंगे, जो आपको पासवर्ड बताया गया है, जो आपने न्यू क्रिएट किया गया होगा पासवर्ड, वो पासवर्ड आप लिखेंगे। जब आप ये यूजर आईडी पासवर्ड करेंगे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही 2 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो सर्वर से डेटा उठा रहा है उस पर्टिकुलर। ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे राइट साइड 3 कलर के 3 गोले नजर आ रहे हैं, जिसमें एक में लिखा है प्रोग्रेस जरूरी, दूसरे में लिख रहा है कंप्लीटेड 0 और इनसिंक्रोनाइज 0। यदि गणनकर्ता फील्ड में काम करता है और वो डेटा को लास्ट मोमेंट तक सेव नहीं करता है, तब तक उसे इन प्रोग्रेस में दिखाएगा कि साहब ये अभी कार्य कर रहा है। जैसी वो एक बिलेस का काम कर लेता है और सेव करता है, जैसी वो डेटा सेव करेगा तो वो कंप्लीट में लिख के आ जाएगा, इसका ये काम कंप्लीट है। और जब कंप्लीट करके नेट के कनेक्शन में आएगा, देखिए जैसे ही उसने लॉगिन किया है फील्ड में, लॉग आउट होके अपना फील्ड का काम किया है, वापस आके घर पे उसने लॉगिन होके सॉरी नेट कनेक्शन पे, ये आप देख रहे होंगे टॉप पे राइट साइड में ब्लैक रंग का सिंक्रोनाइज शब्द लिखा होगा, ये सिंक्रोनाइज जैसी करेगा वो डेटा ऑटोमेटिक कंप्लीट के बाद उठ के रेड वाले पे चला जाएगा जहां शो करेगा 1। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, 1 शो करेगा, इट मींस यहां से उसका ये डेटा पूरा हो गया और सुपरवाइजर के पास चला गया। अब मैं आपको एक डेटा
फीड करके देखता हूँ। लेफ्ट साइड के बटन को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी, इसमें आप पहले ब्लॉक थ्री भरना शुरू करेंगे। ब्लॉक थ्री पे आप क्लिक किया, एक नया एड एंट्री कर रहे हैं क्योंकि पहले से एंट्री है, इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद ये आपके सामने विंडो आएगी, इसमें पहले सेलेक्ट कर लेंगे रूरल है अर्बन है क्या करना है, रूरल का आपने किया। उसके बाद गांव सेलेक्ट करेंगे कौन सा गांव कर रहे हैं, और गांव सेलेक्ट करने के बाद आप 2011 में क्या सेंसस थी वो फीड करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं जाएगा, अगर उसकी सूचना नहीं तो जीरो भरेंगे लेकिन ब्लैंक नहीं होगा। इसी तरह नंबर ऑफ स्टे कैटल कितने हैं वो यहां मेंशन करेंगे। स्टे कैटल के सेंस में मैं आपको बता दूं, आप कम से कम गांव के 4-5 लोगों से बात करने के उपरांत उसके एवरेज के हिसाब से लिखें। इसी तरह स्टे डॉग में भी करें, क्योंकि पिछली सेंसस में इस तरह की बहुत प्रॉब्लम आई थी कि स्टे कैटल एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो है 2-2, 3-3 लाख शो हो रहे थे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, स्टे कैटल की ऐसे गणना नहीं हो पाती है, इसलिए आप गांव के कम से कम या शहरी क्षेत्र के उस मोहल्ले के 8-10 लोगों से जब पूछेंगे तब एवरेज निकालेंगे तो कहीं हद तक मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको कंप्लीट भरने के बाद डेटा सारी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई भी ब्लैंक नहीं जाएगा, जीरो लिखेंगे अगर नहीं सूचना, और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे देखिए फिर दोबारा से पूछेगा आर यू श्योर, उसमें लिखा है यू वांट टू सिंक्राइज। अभी मैंने आपको बताया सिंक्राइज जो है नहीं होगा क्योंकि नेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन तब भी आपको यहां पर यस ही करना है, यस पे ही वो सेव होगा। यस कर दिया, इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो गई। अब आप वापस राइट लेफ्ट साइड में जो ये ऑफलाइन मोड तो ये भी दिखा दे रहा हूं मैं, इस पर नेट बंद करता हूं, ऑफलाइन मोड पे डेटा एंट्री हो रहा है। देखिए नेट बंद कर दिया गया है इसका और ऑफलाइन मोड पे काम करना शुरू कर दिया गया। अब आप जो राइट लेफ्ट साइड में जो है फिर से उसकी विंडो पे आएंगे और शेड्यूल वन एंट्री करेंगे। शेड्यूल वन एंट्री करेंगे डिवाइस के लिए पूछ रहा है, अलाउ करेंगे आप लोकेशन। अब आपको ये ब्लॉक नजर आएगा, इसमें भी पूर्व की तरह आप सारा चीजें सेलेक्ट करेंगे, हाउस होल्ड नंबर क्या है, यदि नंबर नहीं है आपको लगता है यहाँ गांव में नंबर नहीं है तो आप 1-2-3 लिखना शुरू कर देंगे। और जब ये सारी इंफॉर्मेशन जो इसमें दिखाई जा रही हैं वो सारी भर लेंगे, हाउस होल्ड का नाम क्या है हेड का, वो बेनिफिशरी है या नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब जो इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा है वो इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, आइदर वो इंफॉर्मेशन है तो, नहीं है तो जीरो। जब आप ये भर देंगे, भरने के बाद इसको फिर से सबमिट करेंगे, देखिए ये सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब आपके पास जैसे ही सबमिट करेंगे एक नई विंडो खुलेगी, नई विंडो में आपने देखा होगा 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है लाइव स्टॉक, एक आ रहा है लाइव स्टॉक, और दूसरा आ रहा है बैकयार्ड पोल्ट्री, और तीसरा आ रहा है फिशरीज, और चौथा इक्विपमेंट। आप हाउस होल्ड के घर पे जाएंगे उससे पूछेंगे कि आपके पास कौन कौन से जानवर हैं, ये पहले ही पूछना है। वो कहता है कैटल है, आप कैटल टिक कर लेंगे, वो कहता है बेफेलो भी है, आप बेफेलो भी टिक कर लेंगे, जो बताए। वो कहता है शीप है, आप शीप भी टिक कर लेंगे। उसके बाद कहता है नहीं मेरे पास फाउल भी है तो फाउल टिक कर लेंगे, फाउल भी बता दिए, डक भी बता दी उसने, कोई बात नहीं है, डक नहीं है दोबारा क्लिक कर देंगे आप तो वो डक हट जाएगी। और उसके बाद फिशरीज उसके पास है या नहीं है, फिशरीज हमने जो इससे पहले शेड्यूल वन भरा था उसमें फिशरीज यस कर दिया था, इसलिए यहां पर फिशरीज मेंशन आ रहा है। फिशरीज का मेंशन अगर आप वहां नो कर देंगे तो फिशरीज यहां पर शो नहीं करेगा। अब इक्विपमेंट अगर आप टिक करेंगे तो इक्विपमेंट भी आपके पास शो करना शुरू कर देंगे। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन भर देंगे इसको सेव करें, सेव करते ही आप नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे। जब नेक्स्ट विंडो पर आएंगे तो आपसे फिर इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर हेक्टर कितना है, एजुकेशन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल आपको उसमें से सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है। किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी हाउस होल्ड वाले से
जबरदस्ती नहीं करनी है, जो वो बता रहा है आप उसी पे ही लीजिए, किसी का प्रूफ नहीं देखना है आपको, सिर्फ एनिमल्स आपको देखने हैं, बाकी किसी का प्रूफ नहीं देखना है कि नहीं आप प्रूफ दिखाइए आपके पास इतना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं तो वो डेटा भी नहीं देगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब ये सारा भर लीजिएगा सेव कर लेंगे, सेव करते ही देखिए विंडो फिर आ गई और सक्सेसफुली शो हो गया। अब आप देख रहे होंगे लाइव स्टॉक लिख के आ गया, अब आप उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड का क्या लाइव स्टॉक है, आपने जो हाउस होल्ड सेव किया था उसकी देखिए सारा मेंशन आ रहा है, विलेज कौन सा है, हाउस होल्ड का नाम क्या है, हाउस होल्ड नंबर क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन। आपने दो स्पीसीज सेट की थी, कैटल और बफेलो। अब आप कैटल पहले क्लिक कर लीजिए, उसकी ब्रीड कौन सी है वो क्लिक कर लेंगे, जो भी हो या एग्जॉटिक हो या इंडिजिनियस हो, एग्जॉटिक आप हम सेलेक्ट करते हैं, नहीं वो वाली इंडिजिनियस, इंडिजिनियस सेलेक्ट कीजिए, इंडिजिनियस सेलेक्ट करेंगे तो आप उसके बाद अगले कानम पे वो ब्रीड कौन सी है उसका नाम ऑटोमेटिक लिख के आएगा, उनके कोड लिख के आएंगे, आप उस नाम और कोड को क्लिक करेंगे, उसके बाद वो कौन से आप डेटा फीड करना चाहते हैं, पहले मेल का या फीमेल का, अगर आप फीमेल का बनना चाह रहे हैं फीमेल क्लिक करेंगे और ये विंडो आपके सामने नई नीचे एक और क्लियर हो जाएगी, उसमें आप अंडर वन ईयर कितना है, वन टू थ्री ईयर कितना है, इनमिल कितनी है, ड्राई कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जीरो भरेंगे। आपने देखा होगा लास्ट में टोटल भी आ रहा है उसका, फोर लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर तीन बटन है, प्रीवियस, सेव और नेक्स्ट। अगर आपको डाउट होता है कैटल नहीं है इसके पास, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए, आप प्रीवियस का बटन क्लिक करेंगे वापस उसी विंडो पर आ जाएंगे और वहां से कैटल हटा देंगे, अदरवाइज यहां सेव करेंगे। सेव करते ही वो फिर से पूछेगा आर यू श्योर, यस कर दीजिए और आपका एंट्री। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा था कि वो नई एंट्री, अगर आप उसकी नई एंट्री भरेंगे, अब जैसे बफेलो भरेंगे आप फिर सेलेक्ट करेंगे, जो ब्रीड है उसको क्लिक करेंगे और मेल फीमेल क्या करना है वो आप क्लिक करेंगे, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन फिर से वही चीज, फीमेल की आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं भर रहे हैं हम, ये आप फीमेल की इंफॉर्मेशन भर देंगे और भरने के उपरांत वही प्रोसेस सेव करेंगे, इसे यस कर दीजिए और ओके कर दीजिए, अब तो आपकी ये एंट्री पूरी हो गई। अब इसके बाद पोल्ट्री आएगा, देखिए बैकयार्ड पोल्ट्री लिख के आ गया होगा टॉप पे, देखिए आप बैकयार्ड पोल्ट्री, जब आपका वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नहीं पे आ जाएगा। अब आप बैकयार्ड पोल्ट्री की जो आपने इंफॉर्मेशन वहां लिखा था वो पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन भरेंगे, फाउल आपका शो हो रहा, जो आपने वहां टिक किया था वही शो होगा, फाउल आ गया, फाउल का उसकी ब्रीड कौन सी है, जो आपको देसी है ये प्रूव है, जो भी है उस ब्रीड के नाम आ जाएंगे, क्लिक कर दीजिए और उसकी इंफॉर्मेशन जैसा आप कैटल बफेलो वगैरह में कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस है, कोई कलम जीरो नहीं छोड़ना है और ये आपका फिर से सेव कर लेंगे, ओके। नो एंट्री नई एंट्री अगर करनी है तो ठीक है, नहीं तो ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब आपका लाइव स्टॉक इक्विपमेंट आ गया, अब आप लाइव स्टॉक इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, ये उसी हाउस होल्ड का एक ही उसी हाउस होल्ड का काम चल रहा है अभी, जो जो उसने बताया है, ये दूसरा हाउस होल्ड नहीं आया, उसी हाउस होल्ड की सारी इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिए। जो आपने पहले नंबर खुला देखिए ऊपर भी लिख के आता है कि किसका आप काम कर रहे हैं, नाम भी लिखा हुआ ओनर का, हाउस होल्ड नंबर भी लिखा है, उसी का आप काम कर रहे हैं। यहां आके इसको भी सेव कर लीजिए और देखिए डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। सेव होने के उपरांत अब आ गया फिशरीज, जो आपने पहले भरा था उस फिशरीज की भी उसी हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। फिशरीज के केस में आप बहुत ध्यान रखिएगा, पहले ही शेड्यूल में आप फिशरीज अगर नहीं है तो आप नो करते रहिएगा तो फिशरीज का टेबल आपको दिखेगी भी नहीं, जो आप उसमें सेकंड वाले कॉलम में टिक करेंगे वही चीजें दिखाई देंगी। तो फिशरीज की इंफॉर्मेशन करने के उपरांत सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, देखिए सब इंफॉर्मेशन भरा, जीरो है जीरो भरेंगे, एक है एक भरेंगे, दो है दो भरेंगे, और यदि आपने कोई कॉलम छोड़ दिया तो वो लिख के आपको शो करेगा कि ये कॉलम आपके द्वारा नहीं भरा गया है, या अगर आपने गलत भरा है तो भी आपको शो करेगा कि ये कॉलम आपके द्वारा गलत भरा गया है।
भर के बढ़ा दो आगे, लफड़ाई नहीं करनी चल रही है। हाँ तो बढ़ते जाते हैं इसको, इसी तरह हम फिगर भरते जाएंगे। जब ये सारी फिगर भर जाएगी, एक मत भरिएगा ताकि ये पता लगे, वो लिख के आएगा। देखिए हमने इसमें मेल, दोनों मेल में कुछ नहीं फिगर भरी है। अगर ये हम आपको इसलिए नहीं भर रहे हैं इसमें, ताकि अभी आपके सामने विंडो में शो होगा कि इस कॉलम की सूचना नहीं है, पहले उसको भरिए तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इसको जान पूछ के छोड़ रहे हैं हम आपको प्रैक्टिस के लिए, कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। जब ये हो गया सेव करेंगे। देखिए सेव करने में आ रहा है मार्किंग ऑफ फिस मेल फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, जो हमने ब्लैंक छोड़ी थी उसके लिए लिख के आ गया। अब यहां पर आप फिगर भरेंगे और दूसरे वाले में भी फिगर भरेंगे। अब आप जब सेव करेंगे इसे तो वो सक्सेसफुली ये देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया। सेव होने के बाद जो आपने जितना सेव किया है वो, जब ये ध्यान रखिएगा ये सेव इसमें पड़ा रहेगा, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये सुपरवाइजर के पास नहीं जाएगा, और ना ही इसको बिना फाइनल सबमिट किए हुए लॉग आउट मत होइएगा। लॉग आउट जैसे ही फाइनल सबमिट करेगा वो कहेगा अभी आपको देखिए, मैं फाइनल सबमिट जरा क्लिक दबा दीजिए, फाइनल सबमिट का हमने बटन दबाया तो ये लिख के आ गया, आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन ऑल रिकॉर्ड विल बी सेंड सर्वर एंड नो फर्दर चेंजेस विल बी पॉसिबल। यानी कि इसको करने पे एक बार आपने इसको कर दिया और ये सिंक्रोनाइज हो गया तो आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, गणनकर्ता कोई चेंज नहीं कर सकता है। और इसको यस कीजिए, यस करने पे वो कहेगा कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अपने आप ही दिखाएगा वो आपको। इसे ओके तब भी करेंगे आप, ओके करेंगे ये आपका डेटा सेव हो गया। सेव होने के बाद अब अगर इस डेटा को इस तरह वो दूसरा दोबारा डैशबोर्ड पे जाके दोबारा डेटा एंट्री शुरू करेगा, अपना पूरा करता रहेगा ऑफलाइन, और लास्ट में शाम को जाके अपने घर पर जहां भी उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगा, दोबारा से सेव करेगा और सिंक्रोनाइज करेगा तो वो डेटा आ जाएगा। देखिए आपको डैशबोर्ड पे आए, देखिए दिखाई दे रहा है एक कंप्लीटेड, ये मैंने आपको पहले बताया था कंप्लीटेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसको अभी सिंक्रोनाइज नहीं किया गया है, ये ऑफलाइन मोड में ही काम हो रहा है। ऑनलाइन मोड पे जब होगा तब सिंक्रोनाइज होगा। देखिए मैं इसको एक एंट्री भर दी, इसी तरह आप अगली एंट्री भर लेंगे, सेम प्रोसेस। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि इसका नेट ऑन कर रहे हैं, नेट ऑन करने के बाद 2 सेकेंड आप वेट कीजिए, नेट कनेक्टिविटी लग रही है। कनेक्टेड हो गया, अब जब कनेक्ट हो गया अब आप इसे देखिए ऊपर ब्लैक रंग का बटन है जिसमें लिख रहा है सिंक्रोनाइज, आप यहां क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए प्लीज वेट सक्सेसफुली, अब यह डेटा जो है गणनकर्ता के हाथ से भी हट गया, और हटने के बाद देखा होगा आपने एक नंबर लिख के आ गया, यानी कि ये डेटा अब सुपरवाइजर के पास चला गया। गणनकर्ता का रोल खत्म हो गया, अब इससे सुपरवाइजर का रोल शुरू होता है। अब मैं आपको इस तरह, आप पूरी तरह समझ गए किस तरह डेटा एंट्री होना है, ये डेटा एंट्री आपको उनके द्वारा किया जाना है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं सुपरवाइजर का रोल क्या है इसमें। ये गणनकर्ता का रोल यहां समाप्त हो गया, अब सुपरवाइजर का रोल बताता हूं। देखिए आप जो है गूगल क्रोम पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ लाइव स्टॉक census.nic.in मेंशन करेंगे, और उसके बाद उस पर्टिकुलर जिस सुपरवाइजर के अंडर में उसका सुपरवाइजर का आईडी डालेंगे, सुपरवाइजर की आईडी डालने के उपरांत उसका पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होने के बाद ये देखिए आपके सामने स्क्रीन आएगी, इसमें 4 कॉलम है होम यूजर मैनेजमेंट रिपोर्ट, आपको यूजर मैनेजमेंट में नहीं जाना, अब शेड्यूल पे आना है। शेड्यूल पे क्लिक करेंगे आप, जब शेड्यूल पे क्लिक करते हैं 3 आइटम आते हैं,
एक होता है विलेज वार्ड प्रोफाइल, एक है फाइनल ब्लॉक थ्री और एक है फाइनलाइज्ड विलेज ऑब्लिक वार्ड प्रोफाइल। तो आपको चूंकि विलेज का देखना है तो पहले आप विलेज वार्ड पर क्लिक करेंगे, तो जो एंट्री आपने जो एंट्री भरी थी, देखिए हमने जो है 3 नंबर हाजीपुर वाली भरी थी और इस पर यहाँ पर आपने देखा लिखा आ रहा है कि पेंडिंग विद सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर के हैंड से अभी ये पेंडिंग चल रहा है। आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर शो करेगा, उस पर फिर दोबारा व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा ये डिटेल आ जाएगा। इसमें आपने देखा होगा एक है पर्सनल डिटेल, लाइव स्टॉक इक्विपमेंट, पोल्ट्री फिशरीज और फिशिंग इक्विपमेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइव स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे। जब आप लाइव स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर ये पूरी लाइव स्टॉक की विंडो आ जाएगी। आपको याद होगा हमने पहले अभी फीमेल पे भरा था, जब आप जो भी फीमेल का अगर उसके द्वारा मेल नहीं भरा गया है तो वो क्लिक नहीं होगा रेड, और जो उसके द्वारा डेटा भरा गया है उस पर क्लिक होगा। जैसे ही आपको ये लगता है कि अंडर 1-3 ईयर्स वाले में कुछ प्रॉब्लम है, आपने इसे क्लिक कर दिया, वो कॉलम रेड हो जाएगा। इस तरह आप उसके डेटा में जैसे जैसे जहां जहां आप उसका क्लिक कर देंगे वो पार्ट उसका रेड हो जाएगा। आप देखिए इसमें भी क्लिक किया दोनों पार्ट, ये जरूरी नहीं है अंडर 1 ईयर वाला करेंगे, आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं, एक से नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है। कैटिल में भी वही है, बफेलो में वही है, आप जो चाहे कर सकते हैं, एक से अधिक भी कर सकते हैं, ये आपको प्रॉब्लम शो करेगा। और देखिए नीचे लिखा हुआ है टू इन्वर्टर फॉर करेक्शन और टू सर्वर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ टू सर्वर पे क्लिक कर दिया तो ये डेटा सर्वर पे चला जाएगा, फिर आपके हैंड से भी इस पर करेक्शन नहीं होगा। चूंकि आपने इसे रेड किया है इट में इस पर प्रॉब्लम है, इसलिए आप टू इन्वर्टर को क्लिक करेंगे और जो रिमार्क है आप उस पर जो आपको लिखना है कि प्लीज वेरीफाई दिस और सबमिट कर देंगे। जब ये आप सबमिट कर देंगे तो ये आ जाएगा, अगली स्क्रीन आएगी उसमें शो करेगा पेंडिंग विद इन्वर्टर फॉर करेक्शन, मतलब गणनकर्ता के करेक्शन के लिए पेंडिंग है। अब क्या होगा, जब यहां पर शो करेगा आप सुपरवाइजर का रोल यहां पर समाप्त हो गया, अब गणनकर्ता के पास जाएगा, गणनकर्ता भी अब मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं खोल सकता, ये डेटा मोबाइल एप्लीकेशन पे केवल फीडिंग के काम आना है। अब उसको करेक्शन करना है तो वो अपना वेब एप्लीकेशन पे लिखेगा, वही लाइव स्टॉक सेंसस .gov.in, लेकिन हमें ये ट्रेनिंग का है इसलिए trg.nic.in किया, और अपना वो ग्रहणकर्ता यूजर आईडी पासवर्ड और लॉगिन करेगा। ये देखिए जैसे पासवर्ड करेगा, अब इसमें भी 3 कॉलम आएंगे होम शेड्यूल और रिपोर्ट, वो शेड्यूल पे आके क्लिक करेगा। देखिए सुपरवाइजर केस में 4 कॉलम आए थे, यहां 3 आए हैं। आप शेड्यूल पे क्लिक करेगा, विलेज वार्ड प्रोफाइल करेगा क्लिक, देखिए यहां पर लिख के आ रहा है पेंडिंग विद इन्वर्टर फॉर करेक्शन, ठीक है। अब यहां व्यू देखेगा, यहां पर अभी आपको रेड नहीं दिखाई देगा, व्यू देखेगा और अगले वाले में भी जाके व्यू देखेगा। जब यहां व्यू में 2 बार क्लिक कर लेगा, लाइव स्टॉक में करेक्शन था, लाइव स्टॉक देखेगा, ये देखिए क्लियर मेंशन है ये पॉइंट पे उसको करेक्शन है। अब यहां पर आके वो एडिट का बटन दबाएगा और एडिट कर लेगा। यहां पर एडिट करते ही जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए एडिट बटन दबाएगा, यहां पर मान लीजिए इसे 2-11 करना है, 11 कर दिया उसने, और नीचे वाले में भी अगर करेक्शन करना है तो दूसरा कर लेगा और सेव कर देगा। सेव करते ही ये वाला वहां जाके सबमिट कर, सबमिट करा, सबमिट हो गया, अपडेट हो जाएगा, उसका अपडेट हो गया। यदि उसको लगता है इसमें कोई करेक्शन नहीं है तो भी सेंड करेगा, सेंड करना ही पड़ेगा। यहां पर टू सुपरवाइजर लिखा हुआ है देखिए, और रिमार्क डाल देगा करेक्टेड और सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद देखिए लिख के आ गया सेंड सक्सेसफुली। अब ये वापस
सुपरवाइजर, और देखिए लिख के भी आ जाएगा पेंडिंग विद सुपरवाइजर फॉर करेक्शन, ये दोबारा सुपरवाइजर के पास चला गया, ठीक है। सुपरवाइजर फिर से इसे लॉगिन करेगा अपना, शेड्यूल पे जाएगा, ब्लज बार प्रोफाइल देखेगा, और जो ये वाला थर्ड नंबर था ये देखिए लिख के भी आ रहा है पेंडिंग विद सुपरवाइजर, फिर से लिख के आएगा वही चीज, क्लिक करेगा जैसे पहले बताया था, व्यू देखेंगे अपने, लाइव स्टॉक का मैटर था, लाइव स्टॉक क्लिक करेंगे वो, क्लिक करके ये उसको जब उसने भेजा है क्लिक करेगा, वो सेटिस्फाई हो गया क्लिक करेगा और ओके कर देगा। ओके करने के बाद देखिए ये सबमिट करेगा या टू सर्वर, सर्वर को फाइनल भेजेगा, फाइनल भेजते ही ये जैसी कंप्लीट रिमार्क लिख दे अपना और सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही ये डेटा सुपरवाइजर के हैंड से भी चला गया, अब ये सर्वर पे पहुंच गया, ये देखो फाइनल। और फाइनलाइज वाला जब आप इसका वार्ड प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें मेंशन भी होगा, ये देखिए ये लिख के आ रहा है, यहाँ आप कुछ काम नहीं कर सकते, यहाँ केवल शो देख सकते हैं कि हाजीपुर का डेटा सेव्ड हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे बार बार सुपरवाइजर क्या करेगा, नहीं, गणनकर्ता द्वारा जो डेटा मान लीजिए उसने 10 गांव का भेज दिया या 50 हाउस होल्ड का भेज दिया, वो सुपरवाइजर किसी समय भी बैठ के देखेगा, या नहीं वो साहब फील्ड में काम कर रहा है इधर भी सुपरवाइजर बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। सुपरवाइजर अपने समय के अनुसार जिस समय उसके समय है, जिस समय उसके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, वो अपना इवन रात को घर पे बैठ के भी चेक कर सकता है अपना, वो क्लिक करेगा अपने अंडर में जितने गणन करता है उनका रिकॉर्ड चेक करेगा, जो उसमें कमियां हैं वो उसको बता देगा। अब आता है स्क्रूटनी ऑफिसर का मैटर। इफ ये आपको बता दूं, जो ये गणनकर्ता द्वारा रिकॉर्ड भरा जाएगा उसका 100वां रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक पहुंचे, तो जो 100वां रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक स्क्रूटनी ऑफिसर के पास पहुंचेगा, सारा रिकॉर्ड नहीं जाएगा उसके पास, अपने आप ऑटोमेटिक 100वां रिकॉर्ड पहुंचेगा, 100वां रिकॉर्ड वो चेक करेगा, उसको अगर ओके लगता है तो वापस वो सुपरवाइजर के पास भेज देगा, वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, वो सुपरवाइजर के पास भेज देगा। सुपरवाइजर अपने जितने भी रिकॉर्ड आए हैं वो एक साथ सबको सेलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर सकता है, एक ही रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, 10 रिकॉर्ड है 10 को क्लिक करेगा और सिंक्रोनाइज कर देगा, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आएंगे इसके ब्लॉक 3 पे, ब्लॉक 3 पे क्या है कि आप देखेंगे तीन ऑप्शन है इसमें, कि जो डेटा आपने सिंक्रोनाइज किया है इन्वर्टर ने भेजा है और जो ये इन्वर्टर का भेजा हुआ डेटा है, स्क्रूटनी ऑफिसर को आप चाहें जो 100वां रिकॉर्ड जा रहा है वो अलग है, आप इसमें से चाहें ये वाला डेटा, आप चाहते हैं कि हाउस होल्ड नंबर ये 12345 को हम उनसे चेक कराना चाहते हैं स्क्रूटनी ऑफिसर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे और कमेंट के साथ अपडेट कर देंगे कि प्लीज चेक, या जो भी आपको कमेंट करना है वो आप कमेंट करके अपडेट भी कर सकते हैं। और ये अब देखिए शो कर रहा है पेंडिंग फिर स्क्रूटनी ऑफिसर। अब ये स्क्रूटनी ऑफिसर का आप जब खोलेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी स्क्रूटनी ऑफिसर अपना खोलेगा, उसका अपना आईडी जो सुपरवाइजर जिसके अंडर में है, पासवर्ड, शेड्यूल पे जाएगा, विजिलेंस बार प्रोफाइल पे जाएगा, देखिए ये उसको भेजा गया था, ये क्लिक करके देखेंगे ब्लॉक थ्री और ये देखिए उसके में शो हो रहा है पेंडिंग स्क्रूटनी ऑफिसर, यहाँ क्लिक करेगा व्यू देखेगा,
अगर उसको सब कुछ सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्लिक करके वो रेड, जैसे उसमें रेड हुआ था इसमें भी रेड हो जाएगा और सुपरवाइजर को रिमार्क के साथ भेज देगा और इसके बाद अपडेट लिखेगा। क्लिक करेंगे, अपडेट करते ही ये देखिए लिख के आ गया पेंडिंग सुपरवाइजर, ये वापस सुपरवाइजर के पास चला गया। अब सर्वर पर भेजेंगे इसे, सुपरवाइजर से सर्वर पर भेजेंगे इसे। अब हम सुपरवाइजर से डेटा जो है सर्वर पर कैसे भेजेंगे उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। फिर से सुपरवाइजर का कोड, पासवर्ड, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके ही विलेज वार्ड प्रोफाइल क्लिक करेंगे, ब्लॉक थ्री को जो आपको क्लिक करेंगे और उसको भी जो भी है पेंडिंग है ओके हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वही चीज़ इन्वर्टर सिक्योरिटी ऑफिसर और टू सर्वर, सर्वर का मतलब ये हमारा फाइनल हो गया और अपडेट करेंगे तो ये डेटा आपका पूरी तरह फाइनल हो गया। अगर आप फाइनलाइज रिपोर्ट में देखेंगे या फाइनल ब्लॉक थ्री को क्लिक करेंगे तो देखिए ये डेटा आपको क्लियर शो करेगा कि ये डेटा हमारा फाइनल हो गया। इस तरह ये पूरी वर्किंग होगी। लेकिन इस वर्किंग में आप लोग इस बात को परेशान मत होइए कि बार बार क्या करना होगा, ऐसा नहीं है। गणनकर्ता को अपना काम करने दीजिए। गणनकर्ता ने पूरा गांव किया, तीन गांव किया और तीन गांव का डेटा आपको सुपरवाइजर को भेज दिया। सुपरवाइजर ने जिस समय फुर्सत हुई अपने हिसाब से उसको चेक किया और चेक करके जो कार्रवाई करनी है वो कर दी। अदरवाइज वो अगर सीधे भेज दिया उसने सिंक्रोनाइज करेगा और सीधे डेटा भेजा जा सकता है। धन्यवाद।